जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा करंट अफेयर्स पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? क्या गुजरात में हुआ है, कि हरियाणा में, कि राजस्थान, की दोस्तों केरल। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की जो शुरुआत हुआ है दोस्तों ये गुजरात में हुआ है। गुजरात का जो अहमदाबाद है, क्या दोस्तों गुजरात का जो अहमदाबाद है वहाँ पर 8 जनवरी से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पर की गई दोस्तों? गुजरात के अहमदाबाद शहर में। क्लियर है? ये दोस्तों 8 जनवरी से प्रारंभ हो गया है, ध्यान दिए दोस्तों। और दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका उद्घाटन जो किया है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है दोस्तों भूपेंद्र पटेल है। क्लियर है? तो ध्यान दिए दोस्तों, भूपेंद्र पटेल, और इनका पूरा नाम अगर पूछता है तो भूपेंद्र रजनीकांत पटेल इनका पूरा नाम है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव क्यों मनाया जाता है, आइए इसके भी बारे हम लोग जानते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ध्यान दिए दोस्तों, को गुजरात में दोस्तों उत्तरायण या मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को किस नाम से? उत्तरायण या मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार अर्थात 2023 में ये 8 जनवरी से दोस्तों प्रारंभ हो चुका है। क्लियर है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का पिछला संस्करण दोस्तों ये 2020 में हुआ था। कब हुआ था पिछला संस्करण? 2020 में हुआ था। और दोस्तों इसमें 43 देशों, क्लियर दोस्तों, 43 देशों के 153 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लेकिन दोस्तों कोविड के कारण या कोरोना वायरस कारण दोस्तों ये 2 वर्ष स्थगित हो गया था। और इस वर्ष अर्थात 2023 में इसका फिर से प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों ये कहाँ हुआ है, हो रहा है? गुजरात के अहमदाबाद शहर में। कब से? 8 जनवरी से प्रारंभ हो गया। क्लियर है? गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, जानते ही हैं। और गुजरात जो है दोस्तों 3 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन से हैं? राजस्थान है, क्लियर है, और MP है, और महाराष्ट्र। राजस्थान, MP अथवा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है किस राज्य ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? क्या हरियाणा, के पश्चिम बंगाल, की छत्तीसगढ़, की दोस्तों बिहार। यानी अब जनगणना किस कैसे कराई जाएगी? जाति पर आधारित की जाएगी। यानी अभी तक हो रहा है था जनसंख्या पर, यानी पूरे भारत में कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है। लेकिन दोस्तों राज्य जनसंख्या पर कौन सा राज्य? बिहार राज्य। कौन दोस्तों? बिहार राज्य जो है दोस्तों जाति सर्वेक्षण शुरू करने जा रहा है, यानी जाति पर जनगणना करेगा। बिहार राज्य जानना चाहता है कि हमारे राज्य में कितने जातियां ऐसी हैं जो है, मतलब आप जानते ही हैं कि भारत में कई प्रकार की जातियां हैं जो अलग अलग एक प्रकार से कास्ट में बटी हुई हैं। क्लियर है? तो उनका पहचान कराने के लिए ये जाति सर्वेक्षण एक प्रकार से किया जा रहा है। क्लियर है? तो ध्यान दिए दोस्तों, किसके द्वारा किया जा रहा है? बिहार के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है? तो बिहार सरकार ने 7 अगस्त को, ध्यान दीजिएगा, राज्य के विभिन्न हिस्सों में, क्या राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण, क्या जाति सर्वेक्षण शुरू किया है।
बिहार के मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं नीतीश कुमार ने, यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति ध्यान दीजिए के साथ साथ जांच प्रकार से जातियों को भी सूचीबद्ध किया जाए। लेकिन दोस्तों इसमें उपजातियों को नहीं शामिल किया गया, जैसे जाति होती है फिर उसके बाद उपजात होते हैं, तो उपजाति को नहीं काउंट की जाएगी ये बताया गया, सिर्फ जात लिखा जाएगा, एक प्रकार से उपजाति को नहीं लिखा जाएगा। ये पॉइंट आप दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो ये बिहार, बिहार की बात करते हैं दोस्तों, बिहार की राजधानी आप लोग जानते ही हैं पटना है, क्लियर है? बिहार राज्य जो है दोस्तों एक देश जो कि नेपाल से अपनी सीमा को साझा करता है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश और झारखंड और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश झारखंड और पश्चिम बंगाल ध्यान दे दोस्तों तीन राज्यों से अपनी सीमा को भी साझा करता है क्या? बिहार, क्लियर है? तो ये पॉइंट भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? क्या कर्नाटक में, कि मध्य प्रदेश, कि तेलंगाना, कि दोस्तों केरल में? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय जो है दोस्तों कहाँ, बताओ जल्दी से। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, ऐसा आप मान सकते हैं, क्लियर है? कहाँ खोला गया है दोस्तों? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है, क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं है दोस्तों। यह दस्तावेज जो है ताड़ के साफ और स्पष्ट पत्तों पर क्या हो जाएंगे, लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे दोस्तों? पांडुलिपियों को, क्लियर है? तो किस राज्य में? केरल में, क्लियर है? केरल की राजधानी हमने बता ही दिया दोस्तों क्या, तिरुवनंतपुरम होता है। केरल जो है दोस्तों दो राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है, कौन कौन से वो राज्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक से अपनी सीमा को साझा करता है, क्लियर है? और केरल जो है दोस्तों अरब सागर से अपनी सीमा को भी साझा करता है, ये भी पॉइंट अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है? क्या बांग्लादेश है, कि भारत है, कि दक्षिण अफ्रीका, कि दोस्तों ब्राजील? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार जो है भारत देश बन गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? क्या डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह बने हैं, कि डॉक्टर संजय मेहरा हैं, कि मैथिली ठाकुर हैं, कि अजय कुमार श्रीवास्तव हैं? तो एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव दोस्तों वो बने हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह बने हैं, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न आ गया है आपका, और प्रश्न का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 अर्थात है आपके लिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? क्या अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो क्या राउरकेला में, कि नई दिल्ली, की फतेहपुर, की भुवनेश्वर? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर अब समाप्त करते हैं, आशा है कि आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर से, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।